हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 6, जो कि 5th ऑफ अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के बारे में आप पहले भी वर्कशीट्स में डिस्कस कर चुके हो। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि डिग्री का जो चेंज है वो किस तरीके से किया जाता है, किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री का चेंज करने का क्या तरीका होता है, क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या दे रखा है, इफ़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब जैसे यहाँ पे हॉट, फैट, थिन, बिग, ये एक ही सिलेबल है यहाँ पे। सेकेंड क्या है, एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, यानी लास्ट वाला जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है और सिंगल है, डबल नहीं है। जैसे कि हॉट में टी सिंगल है, फैट में टी सिंगल है, थिन में एन सिंगल है। तो इस तरीके से लास्ट वाला एक कॉन्सोनेंट है और सिंगल लेटर है। एंड थर्ड है, हैज़ वन शॉर्ट वाउल बिफोर इट, और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले एक वाउल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब हम डिग्री का चेंज करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे आया हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, फैट का ER और EST लगाने के पहले एक चीज़ और ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हॉटर में डबल T आ गया। अब फैट तो यहाँ पे बन जाएगा फैटर और यहाँ पे बन जाएगा फैटेस्ट, ठीक है। थर्ड है थिन, तो इसमें भी डबल N आ जाएगा, थिनर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा थिनेस्ट। ये है बिग, तो यहाँ पे पहले तो डबल G आएगा, उसके बाद ER, बिगर, और यहाँ पे आ जाएगा बिगेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनका डिग्री में चेंज इस तरीके से हम कर सकते हैं। कंपेरेटिव डिग्री के लिए ER लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए EST लगाएंगे, लेकिन उसके पहले जो भी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो एक बार और आ जाएगा, यानी वो दो बार आएगा, ठीक है। ये तो था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है, मैनी एडजेक्टिव्स ऑफ टू सिलेबल्स एंड ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स चेंज देयर डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द बिफ़ोर दी पॉजिटिव। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इन सारे वर्ड्स को देखें तो इसमें दो सिलेबल्स हैं। जैसे कि इसको हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल को ब्यूटी प्लस फुल, तो यहाँ पे दो साउंड्स आ रहे हैं, इसका मतलब दो सिलेबल्स हैं यहाँ पे। जैसे भी कोई भी वर्ड ऐसा है जिसकी प्रोनंसिएशन में दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स आते हैं, तब उसमें हम ER या EST नहीं ऐड करेंगे, मोर एंड मोस्ट ऐड करेंगे। जो भी पॉजिटिव डिग्री होगी वो वर्ड तो आएगा ही आएगा, उसके जस्ट पहले कंपेरेटिव में मोर आ जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। जैसे इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे आ जाएगा मोर इम्पॉर्टेंट, और अगले वाले में यहाँ पे आ जाएगा सुपरलेटिव में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम उसके बाद देखें पॉपुलर, पॉपुलर के लिए आ जाएगा मोर पॉपुलर, ये आ जाएगा कंपेरेटिव में, और सुपरलेटिव में आ जाएगा मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट के लिए आ जाएगा मोर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, और इधर सुपरलेटिव में आ जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट, सेम ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने दो यहाँ पे रूल्स पढ़े हैं, उन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे सॉल्व करना है। जैसे फास्ट, सिंगल सिलेबल है इसमें, तो यहाँ पे फास्टर और फास्टेस्ट। स्ट्रेंज, यहाँ पे भी सिंगल सिलेबल है, तो यहाँ पे स्ट्रेंजर और यहाँ पे स्ट्रेंजेस्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेंजर, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे है मोस्ट फेमस, तो मोस्ट फेमस के लिए यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ फेमस, यहाँ पे आ जाएगा मोर फेमस, और सुपरलेटिव में मोस्ट फेमस ऑलरेडी लिखा हुआ है। फोर्थ है फिट, यहाँ पे फिटर, और यहाँ पे आ जाएगा फिटेस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रेटियर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिटी, प्रिटी, प्रिटियर, और यहाँ पे
प्रीटीएस्ट, ठीक है। एंड सिक्स्थ है लाइटेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइट, यहाँ पे आएगा लाइटर और इधर आ जाएगा लाइटेस्ट। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।